सोशल मीडिया आजकल हमारी लाइफ लाइन है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी निजी सूचनाएं भी बाकी अन्य लोगों तक पहुंचती हैं जिसको आप सूचनाएं देना नहीं चाहते। व्हाट्सएप उसमें से एक है। दुनिया में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप का इस्तेमाल भारत में होता है और भारत में इसे लेकर बहुत सारे विवाद भी हुए हैं। हाईकोर्ट में मामला था, मामला सुप्रीम कोर्ट गया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की न्यायिक परख करेगा, यानी इसमें न्यायिक रूप से सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा। मामला कुछ यूं है कि सोशल मीडिया में जो निजता का अधिकार है उसमें आपको अपनी पहचान गुप्त रखने की आजादी है। आप नहीं चाहें तो आपकी पहचान कोई उजागर नहीं कर सकता। लेकिन जो ये व्हाट्सएप का मामला है, इसमें हाईकोर्ट में भी ये मामला चला और सरकार ने ये कहा कि लोगों की अपनी अपनी निजता है, जो निजता के अधिकार से वो संरक्षित और सुरक्षित है, संविधान और कोर्ट उसके कस्टोडियन है। लिहाजा ऐसे में इन कंपनियों को जो डाटा यूज करती हैं, आपके निजी डाटा पर उनका अधिकार होता है, वो कहीं से डाटा लीक होता है, डाटे का इस्तेमाल होता है, तो इन सारी चीजों को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है। सरकार ने ये कहा है कि इस मामले की सुनवाई रोक देनी चाहिए, क्योंकि टाल देनी चाहिए, क्योंकि सरकार इस मामले में आगामी शीत सत्र में एक बिल लेकर आ रही है। इससे पहले भी ये बिल संसद में चर्चा के लिए आया था, लेकिन बिल पास नहीं हो सका। उसमें बहुत सारे सुझाव दिए गए थे, बहुत सारे बदलाव की सिफारिश की गई थी। उन सारे बदलावों के साथ सोशल मीडिया से जुड़े तमाम इन चीजों को, सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, लोगों की निजता को लेकर जो उनके अधिकार हैं, इन कंपनियों का, व्हाट्सएप जैसी कंपनियों का, जो मेटा का एक सहयोगी कंपनी है, तो उसमें उनके कितने अधिकार हैं। और वो ये कह रही थी कि पूरी दुनिया में जहां हमने लोगों की निजता को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां जो हमने नियम नीतियां लगाई हैं, वही नीतियां हम भारत में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सरकार का और बाकी लोगों का जिनको आपत्ति है, उन सारे लोगों का ये कहना है कि यूरोपीय देशों या बाकी दूसरे देशों के लिए व्हाट्सएप और इन सारी जो मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इनके मापदंड अलग हैं, भारत में इनके मापदंड बिल्कुल अलग हैं। ये भारत के डाटा को यूज करना चाहते हैं पूरी दुनिया भर में। सरकार ने कहा है कि शीतकालीन सत्र में संसद में ये बिल आने वाला है। ये बहुत सारे पहलुओं को, इसमें याचिका में जो सवाल उठाए गए हैं, इसमें बहुत सारे सवालों को तो ये बिल्कुल उनके जवाब मिल जाएंगे, और बहुत सारे पहलुओं को ये आने वाला बिल है ये उसको परिभाषित करता है, उनकी समस्याओं का हल देता है। लिहाजा कोर्ट से उन्होंने आग्रह किया और कोर्ट ने कहा कि चूंकि सरकार ये आग्रह कर रही है और सरकार ये भरोसा दे रही है कि वो इस मामले में एक बहुत ही सभी पहलुओं को छूने वाला, सभी पहलुओं को ध्यान में रखने वाला बिल लेकर आ रही है, वो बिल अगर कानून का रूप लेता है, संसद उसे पारित करती है, तो जाहिर है कि मुकदमा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सरकार ने भी ये कहा है कि सोशल मीडिया और लोगों की निजता का अधिकार, इसके प्रोटेक्शन के लिए जब सरकार काम कर रही है तो कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए और इसका न्यायिक परीक्षण नहीं करना चाहिए। ये सरकार का, कार्यपालिका का विषय है। कार्यपालिका इस मामले में काम कर रही है। कोर्ट ने भी इनकी बात मानी है और साथ ही कोर्ट ने यह कहा है कि मामला अब 17 जनवरी 2023 अगले साल के लिए टाल दिया है। इस बीच सरकार के पास पूरा टाइम है, क्योंकि जनवरी तक ये सत्र चलता है और इसमें आखिरी तक कोर्ट ने टाइम दिया है कि जनवरी तक ये सत्र चलेगा। इसमें सरकार इसको पास करा लेती है तो फिर इस पर सुनवाई की जरूरत उतनी नहीं रह जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल जिनके जवाब कोर्ट की सुनवाई के जरिए तलाशे जाने हैं, वो उस कानून के जरिए ही मिल जाएंगे। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।